आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आगे महंगाई और पानी व पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज देश में महंगाई के चलते जनता परेशान है और सरकार के सर पर जून तक नहीं रेंग रही। वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा तो बताया कि देश में महंगाई के चलते हाहाकार मचा हुआ है, पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, गरीब आदमी बहुत परेशान है। जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम पर लाठी बरसाई जाती है, यह हमारा पहला धरना प्रदर्शन नहीं है। का पैसा इन्होंने बेकार किया और उसके बाद भी इन लोगों को कोई दवाई नहीं मिली हमारे जनता को। उसके बाद ये अपना बेटा कहते हैं, अपना दिल्ली का किस रूप में अपना बेटा कहते हैं, ये कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो इन लोगों के आगे हमारे अच्छे दिन कहाँ आएंगे कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया था कि पानी गंदा आ रहा है, कहीं शिक्षा के रूप में देखा जाए कि आज इन्होंने स्कूलों को मॉडिफाइड कर करके उनकी पूरी इमारत पर उन्होंने कीमत लगा करके उसका फंड उन्होंने अपने पास रखा। ये बहुत सारे स्कैंडल ऐसे हैं कि जो सामने आने वाले हैं आने टाइम में। हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे हम पर कितनी भी लाठी डंडे बरसाए जाएं। दिल्ली सरकार शराब तो घर घर भेज रही है, पर लोगों को जो जरूरत है वह दिल्ली सरकार को चाहिए कि महंगाई कम करे और लोगों की राशन और पानी की समस्या पूरी करे। उसके बाद दिल्ली प्रदेश के कार्यकाल में पहुँचे, वहाँ भी इसी को लेकर चर्चा हुई। केजरीवाल जो की दिल्ली का अपने आप को बेटा बताता है, पेट्रोल की कीमत 100 के पार हुई है। हमारी डिमांड थी केजरीवाल से कि वो पेट्रोल से अपना बैग घटाएं। वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर केजरीवाल के घर के बाहर बैठे और धरना दिया, पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज करके हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ से भगाया, बहुत लोगों को चोट लगी है। ये बहुत निंदनीय है और हम यही दिल्ली सरकार से, हम केजरीवाल से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर अपना बैग वापस लेंगे तो कम से कम दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी कोरोना के बाद से सभी लोगों के काम धंधे पर इसका आहार पड़ा है, काम धंधे लोगों के बंद है, ज्यादातर लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। तो कम से कम केजरीवाल सरकार इस पेट्रोल में और डीजल में अपना बैग वापस ले लेगी तो सबको 15-15 रुपए पेट्रोल कम हो जाएगा, डीजल कम हो जाएगा। हम यही उनसे गुजारिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने आज धरना प्रदर्शन केजरीवाल जी के घर के बाहर किया। साथ में मौजूद रहे जुगल किशोर जी, जे सेला अध्यक्ष कृष्णा नगर, जो बहुत ही बड़े समाज सेवक हैं, जो घर घर जाकर लोगों को राशन देते रहते हैं। साथ में रहे संदीप गोस्वामी, कोषाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिनेश माथुर, युवा कांग्रेस ललित वोहरा, नीरू चौहान, प्रभात खन्ना, मनोज मोरवाल, धीरज कंवर, अनिल भारती, नवीन गौतम व अन्य मौजूद रहे। दैनिक दिल्ली न्यूज के लिए सलीम अंसारी व अब्दुल बासित की रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ नाली से गंदा पानी उसमें आ रहा है, उसके लिए भी हमने उनके लिए लेटर दिया मगर हमारा पुलिस ने आगे होने नहीं दिया और हमें लाठीचार्ज किया और हमारे कई नेता वगैरह कार्यकर्ता उनको चोटें लगी हैं और आज वो हॉस्पिटल में दाखिल। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।